तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज का अपना व्लॉग थोड़ा लेट शुरू हो रहा है और टाइम भी हो चुका है 12:30। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं बाजार अपने बाल काटने। और गाइस, घर वाले भी बोल रहे थे कि अपने बाल काटो, दाढ़ी दूढ़ी बहुत लंबी हो चुकी है, हल्की हल्की है पर लंबी लंबी है। तो इसे सेट करते हैं और चलते हैं थोड़ी देर में कुफरी। बाकी गाइस, आप आसमान देखो, एकदम बहुत ही घातक हो रखा है गाइस। ऐसा लग रहा है कि बर्फ आज ही पड़ जाएगी, पर पड़ नहीं रही गाइस। बहुत टाइम हो गया गाइस, बर्फ ही नहीं पड़ रही। तो गाइस, चल तो पड़े हम, पर जिस गाड़ी में जा रहे हैं उसका शायद टायर मिस है, तो पंप लेके चले। और अपने साथ अपना भाई है। और गाइस, जिसके साथ जा रहे हैं हम अपने भाई, उनका आज बर्थडे है, तो बर्थडे विश भी करेंगे उनको। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। बढ़िया, जन्मदिन मुबारक हो आपको बंटू भैया। ऊपर चिप लग जाएगी, ये तो लग ही जाएगी शायद। लगाने की आए, मिलते हैं। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं कुफरी और अपने दोस्त से मिलाते हैं। अपना दोस्त भी एक आया हुआ है यहाँ पे। तो गाइस, देख सकते हैं अपना दोस्त आ चुका है, एकदम शर्माता हुआ। बस कर ला रहा गाइस, मौसम देखो आप, एकदम सही वाला हो रखा है। बस ऐसा लग रहा है कि बादल पहाड़ों के पास है। तो गाइस, हम जाते हुए बाल कटाने। गाइस, बाल बूल तो काट दिए, बिल्कुल छोटे छोटे कर दिए बाल तो। और अब बड़े तब तक ही होएंगे जब तक स्कूल खुलेंगे हमारे, तब तक यानी कि सही आ जाएंगे सही लेवल में। और अभी जाना है हमने रेस्टोरेंट को, हमने वहाँ पे 2 पिज्ज़ा थे बुक कराए हुए, तो वो घर ले जाने हैं। भाई ने अपनी ओर से पार्टी दी थी हमारे को बर्थडे बॉय ने। कर दो भैया, भैया कर दो, कर दो। गाइस, हमारे साथ हमारा दोस्त बिल्कुल भी नहीं आता व्लॉग में, नहीं है बल्कि एक रैपर। और गाइस, अब जा रहे हैं हम घर, क्योंकि क्योंकि हमारा वेट कर रहे हैं शुभम भाई टैंकर में, तो जल्दी जल्दी चलते हैं, पहले वहाँ पहुँच जाते हैं। तो गाइस, टैंकर में आ चुके हैं हम अपने भाई के साथ। और गाइस, सड़कों का काम चला हुआ है। गाइस, देख सकते हैं आप कितने टाइट टाइट रोडों में हमारी गड्डियां चलती है। गाइस, हमारा अपनी गाड़ी का सफर हुआ यहीं पे खत्म, और टैंकर तो सिर्फ यहीं तक है। और इसके बाद हमने जाना है घर, यहाँ पर आ रहे हैं हमारा घर, जहाँ आपको लाल छत दिख रही है ना, इसकी पार्ली साइड, तो वहाँ जाना है। और अब जाना पड़ेगा पैदल हमारे को। गाइस, मेरे इतने छोटे छोटे बाल काटने का रीज़न ये है कि अपने बाल झड़ रहे थे, बहुत लंबे हो गए थे तो झड़ रहे थे, पतले भी हो गए थे, तो इसलिए छोटे छोटे कराए हमने बाल। और अब चलते हैं घर, घर में रिएक्शन देखते हैं ज़रा क्या रहेगा। गाइस, घर पहुँच रहे हैं हम और अपनी माता का रिएक्शन लेते हैं कि कैसे काटे हुआ। ये देखो, ये हो रही हमारी बात, कैसे लगे बहुत अच्छे। तो गाइज, आपने देखा मम्मी का रिएक्शन, कुछ हंसी वाला था। और गाइज, अब हम देखते हैं अपने कजन का रिएक्शन कि क्या रहता है। बाकी गाइज, बाल तो सच्ची में बहुत छोटे छोटे हो गए, और उनको उनका पिज्जा भी देते हैं, ये तो बिल्कुल ही बोलते हैं ना सख्त तो हो गया है, तो कोई नहीं फिर भी कर, जैसे खाना होगा वैसे खा लेंगे वो। तो गाइस, अब इनका रिएक्शन देखते क्या रहेगा। कहाँ है लोए तुम्हारा पिज्जा? बाल कैसे रहे? बहुत अच्छा। सारे सारे मेरे को यही बोल रहे हो, बहुत अच्छा। मम्मी का रिएक्शन भी लिया अभी मैंने, बहुत अच्छा, थैंक यू।
फ्री के पैसे का था गाइस। जाओ बेटा। तो गाइस इनका तो कुछ खास रिएक्शन नहीं रहा, रिएक्शन तो सिर्फ मम्मी का ही था। और अब हम भी फ्रेश हो जाते हैं, नहा लेते हैं। जो सारे बाल है ना, इस सारे बिल्कुल आधे इसमें चिपके हुए, तो इन्हें भी नहा नहू के सारे निकालते हैं बाल बाहर। और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए। तो गाइस फ्रेश होके तो आ चुके हैं, और गाइस अभी एक आदमी का रिएक्शन रह चुका है, जो है मेरा दोस्त। क्योंकि गाइस जब उसने बाल काटे थे तो मेरे को वीडियो कॉल की थी। तो गाइस अभी मैं भी उसको फ़ोन करूंगा और बोलूंगा कि मैंने बाल बूल काट दिए, तो देखते हैं क्या बोलता है वो। हेलो, क्या हाल है तेरे? बड़ा टाइम लगाया फोन करने में। अरे हो गया, सुना भाई यार, मैंने तो बाल काटे बिल्कुल गंजा हो गया मैं तो। क्या दोनों कंजे साथ में गाइस, दोनों कंजे साथ में। दीदी यार। तो गाइज ये था हमारा आज का दिन, और अपने बाल भी कट चुके हैं। तो गाइज इस व्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा, तो लाइक शेयर में कमेंट कर देना। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।